हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आया हूँ वासु भैया को रेलवे स्टेशन छोड़ने। वासु भैया ये थे टिप टॉप एकदम बैग लेके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं चला अपने मंजिल की ओर जो है मोहाली चंडीगढ़। अब आपको सारे रास्ते का सफ़र मैं आपको एंजॉय कराते जाऊँगा। क्या होता है ट्रेन में, कितना मज़ा आता है। कोई फर्स्ट ट्रिप है मतलब लॉकडाउन के बाद, नहीं शायद सेकेंड है बाई ट्रेन बैकुंठपुर टू चंडीगढ़। भैया अपने स्पेशल ट्रेन से जाएंगे, ये रहा स्पेशल ट्रेन। इसी के छत में बैठ के जाना है कोयला के ऊपर। सब मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ जो कि मेरी पहली ट्रेन है यहाँ से बैकुंठपुर से, जो मुझे शहडोल पहुँचाएगी। फर्स्ट ट्रेन पर मैं बिना टिकट के हूँ क्योंकि यहाँ पर टिकट मिला नहीं स्टेशन पर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दो सालों बाद आज मैं ट्रेन पे सफ़र कर रहा हूँ। आप देख सकते हो बहुत बार सफ़र करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। पहुंच भी नहीं पाया था शहडोल और कट गया चलान। चलान जो है 350 का है। पे बस सिर्फ दो ही सहारा, एक मैं और एक मेरा बैग। सुपोल से बैठे हुए हैं सीट पे। और ये टनल पे अभी क्रॉस हो रही है ट्रेन। ये टनल है, टनल पार हो गया ये। हम इसके बाद बिजली पहुंचने वाले हैं जो बीच का स्टेशन पड़ता है शहडोल और बैकुंठपुर का। ये ट्रेन ये है दुर्गघाट स्पेशल, जो है 4:53 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। चलो चले। दोस्तों मैं शहडोल पहुंच चुका हूं। बहुत ज़्यादा ही लंबा सफ़र था ये, करीबन 3 घंटे का। उसके बाद मैं बहुत थक चुका हूं। ये जो बहुत लोडेड बैग है 20-30 किलो का तो होगा ही। उसके बाद ये मैं शहडोल पहुंच चुका हूं 3 नंबर प्लेट के 53 मिनट। आगे का सफ़र चालू रखते हैं। बहुत ज़्यादा, अब इंतज़ार करना है बस आधा घंटे का, फिर उसके बाद शायद कुछ राहत मिले। ये इंतज़ार करते हैं मैं और मेरा बैग। अकेले सफ़र भी बहुत अजीब ही होता है। अकेले आपको इंतज़ार करना रहता है, आप बोर हो सकते हो। पर हेडफोन भी नहीं है मेरे पास, हेडफोन भूल गया घर पे। देखते हैं कैसे सफ़र पार होता है। अनाउंसमेंट हो चुका है और ट्रेन आने वाली है जो कि 17 मिनट लेट हो चुकी थी। अब मैं अपने बॉडी बर्थ पे जा रहा हूँ। फाइनली ट्रेन आ गई है। मॉर्निंग दोस्तों, मेरी नींद खुल गई है। अब ये सुबह हो चुका है, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली के बाद अगला सफ़र क्रॉस करना है जो अम्बाला में करना है। ये रहा ट्रेन जो है नई दिल्ली में रुकी है। नींद तो बहुत अच्छी आई। अब सुबह उठना है, अब बस मंजिल का इंतज़ार है। नाश्ता का इंतज़ार कर रहा हूँ, नाश्ता और चाय मिल जाए उसके बाद चलिए चलिए। मैं अम्बाला पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे अम्बाला के बाद जो है मुझे 43 की बस लेके चंडीगढ़ जाना होगा, मोहाली 43 सेक्टर। अब ये अम्बाला स्टेशन तो जस्ट अभी टाइम से पहले ही पहुँच गई है, आज टाइम से पहले थी ट्रेन। चलिए अब चलते हैं बस की ओर। जो 43 के लिए बस है वो मुझे आगे जाके पकड़नी है। अब देख सकते हैं इधर, ये है अम्बाला का रेलवे स्टेशन और अब मैं जा रहा हूँ नीचे। अम्बाला का रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस है और मैं अभी इससे बाहर निकल चुका हूँ। अब अपन जा रहे हैं बाहर की ओर, ये बाहर का रास्ता है, आप इधर से बाहर जा सकते हैं।
यहाँ पे क्लीनिनेस का बड़ा ही ध्यान दिया गया है, बहुत साफ सुथरा स्टेशन है। वैसे एंट्रेंस का सेकंड रूट है, यहाँ से गली है जहाँ से आप निकल सकते हैं। एंट्रेंस उसके बाहर साइड से है, उधर साइड से, और अपन इधर से जाएंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट पे जाना है जहाँ पे आपको बस मिलेगी। इधर से लेफ्ट होना है आपको बस स्टैंड के लिए, वहाँ से आपको चंडीगढ़ के लिए बस मिलेगी। यहाँ से लेफ्ट होके वहाँ से राइट होना है, वहाँ पे बस अड्डा है। बस स्टैंड जहाँ से आपको 17 के लिए बस मिलेगी, जहाँ से आप चंडीगढ़ जा सकते हैं। आइए बस मोहाली तो जाएगी नहीं, अपन चंडीगढ़ चलते हैं सतारा तक चले बस से। तैयारी में और हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ की ओर अंबाला से, अंबाला टैंक। मैंने टिकट कटा ली है जो कि 75 रुपीज़ की है अंबाला से चंडीगढ़ की ओर। 17 सेक्टर आपको जाना पड़ेगा जिसकी टिकट है 75 रुपीज़। चलिए आप चलते हैं बस पे पीछे बैठने का आनंद लेते हुए। रोड पूरा हाईवे और पीछे बैठ के ऐसा लगेगा आप झूला झूलते हुए जा रहे हैं। अब हम जीरकपुर में एंटर हो चुके हैं जो कि चंडीगढ़ से पहले पड़ता है, जो ड्राई सिटी बोला जाता है मोहाली चंडीगढ़ और जीरकपुर। तो हम जीरकपुर में पहुंच चुके हैं, यहाँ से जीरकपुर है ये जो आप देख रहे हैं जीरकपुर सिटी, इसके बाद जो है चंडीगढ़ स्टॉप पे जाएगा। फाइनली हम इंटर हो गए हैं चंडीगढ़ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे घुसते ही रोड पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ग्रीन और ग्रीन, दोनों साइड पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और बीच में ये गार्डन सा, और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको इसके अलावा। ये वेल प्लान सिटी है, आप आराम से घूम के इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे तो लगभग सब जगह आपको एक ही जैसा दिखेगा ये चौक, जैसे कि आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट चौक जो भी आएगा वो भी इसी के जैसे दिखेगा। आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे अगर फर्स्ट टाइम आएंगे तो। नेक्स्ट चौक आने वाला है वो भी आप पिछला चौक जैसे देखे होंगे, सेम उसी के जैसे आपको ये चौक भी दिखेगा। इसको रेंट पे भी ले सकते हैं, ऐसे रेंट लेके आप कहीं भी जाके, इसके बहुत सारे स्टॉपेज होते हैं, आप इसको खड़ा कर सकते हैं। और मैं जो
आप सेक्टर देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से आप नॉलेज ले सकते हैं। और मुझे 17 सेक्टर के बस स्टॉप जाना है। ये 21 सेक्टर का मार्केट है, मार्केट भी आप देख सकते हैं, वेल डिजाइन, वेल पार्किंग है, हर चीज़ की सुविधा है। ये है चंडीगढ़ सिटी के फ्लैट, मतलब यहाँ के घर भी आपको सेम ही दिखेंगे। फाइनली सेक्टर 17 के बस स्टैंड हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही चुके हैं। अब यहां से बस एंटर होना है, यहां पे लोकल बस मिलती है चंडीगढ़ की, और इधर जो बाहर से बस आती है वो एंटर होती है इधर से। मैं पहुंच चुका हूं, और अब ये जो मेरे दो दोस्त लेने आए थे मुझे, वो आ चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ रूम की ओर, आप भी चल सकते हो मेरे साथ। ये अमित दोस्त, चलिए अब फ्लैट जाके आगे की बात करते हैं, अपन चलते हैं फ्लैट। ये इसके कपड़े वैसे लगता तो नहीं है देख के कि इनका कोई फ्लैट भी है, पर फिर भी एक उम्मीद कर सकते हैं, जाके देखते हैं आगे का सफर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे, मेरा सफ़र कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आने में करीबन मेरे को 30 घंटे का टाइम लगा और मैं बहुत थक चुका हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। और अब जो है मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। ये रहा दोस्त का फ्लैट, अपन फ्लैट पे पहुँच चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अलविदा, जय हिंद।